देश पर्वों और त्योहारों का देश है। इसी को देखते हुए पर्व त्योहार के अवसर पर भारतीय रेलवे के द्वारा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाई जाएंगी। बता दें कि रेलवे के द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अतिरिक्त भीड़ को लेकर लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी लोगों को त्योहार के अवसर पर घर जाने का टिकट मिल सके। पुमेर के CPO वीरेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया है कि ये 48 पूजा स्पेशल ट्रेन पटना, रक्सौल, धनबाद, गया, बड़ौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, जनकपुर रोड, जोगबनी आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, पुरी, जम्मूतवई, अमृतसर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों के बीच 224 फेरे लगाएंगी। चलिए अब हम आपको उन ट्रेनों की सूची बताते हैं जो कि पटना से खुलने वाली है। इसमें सबसे पहली ट्रेन 03215 पटना थावे स्पेशल है जो कि 21 अक्टूबर से 13 नवंबर तक रोज पटना से 12:10 बजे खुलेगी। दूसरी ट्रेन 03216 थावे पटना स्पेशल है जो कि रोज थावे से 6:25 बजे खुलेगी। यह दोनों स्पेशल ट्रेन फुलवारी शरीफ, पाटलिपुत्र, दिघवारा, छपड़ा ग्रामीण सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। तीसरी ट्रेन 03230 पटना पुरी 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हर गुरुवार को पटना से 8:45 बजे खुलेगी। चौथी ट्रेन 03229 पुरी पटना 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हर शुक्रवार को पुरी से 2:55 बजे खुलेगी। यह स्पेशल ट्रेनें पटना और पुरी के बीच बख्तियारपुर, बारमुकामा, क्यूल, झाझा सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। पांचवी ट्रेन 04066 दिल्ली पटना है जो कि 17, 19, 21, 23, 25 और 27 व 29 अक्टूबर को दिल्ली से 11:10 बजे खुलेगी। छठी ट्रेन 04065 पटना दिल्ली है जो कि 18, 20, 22, 24, 26, 28 व 30 अक्टूबर को पटना से 4:50 बजे खुलेगी। यह स्पेशल ट्रेन दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी। सातवीं ट्रेन 04076 अमृतसर पटना जो 18, 22 व 26 अक्टूबर को अमृतसर से 2:50 बजे खुलेगी। आठवीं ट्रेन 04075 पटना अमृतसर है। यह ट्रेन 19, 23 व 27 अक्टूबर को पटना से 4:50 बजे खुलेगी। यह स्पेशल ट्रेन दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं नौवीं ट्रेन 03257 पटना आनंद विहार 23 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हर गुरुवार व रविवार को पटना से 10:20 बजे खुलेगी। दसवीं व अंतिम ट्रेन 03258 आनंद विहार पटना है जो कि पटना से 24 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हर शुक्रवार व सोमवार को आनंद विहार से 11:30 बजे खुलेगी। यह स्पेशल ट्रेन दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनके ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से रद्द कर दी गई है, जिनमें पटना बड़ौनी पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। इस ट्रेन को आज के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनपुर मंडल के हाजीपुर और बछवाड़ा के बीच दोहरीकरण परियोजना से संबंधित कार्य हेतु सहदेई बुजुर्ग और अक्षयवट रायनगर स्टेशनों के बीच ट्रेन के परिचालन में भी बदलाव किया गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। रद्द की गई सूची में सबसे पहली ट्रेन 03367 कटिहार सोनपुर पैसेंजर ट्रेन है जिसे 27 से 29 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है। दूसरी ट्रेन 03368 सोनपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन है जिसे 27 व 28 सितंबर को रद्द की गई है। तीसरी ट्रेन 03295 बड़ौनी पटना पैसेंजर ट्रेन है जिसे 28 व 29 सितंबर को रद्द किया गया है। इसके बाद 28 सितंबर को जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 03379 बड़ौनी पटना पैसेंजर, 05236 सोनपुर बड़ौनी पैसेंजर, 05235 बड़ौनी सोनपुर पैसेंजर, 05234 समस्तीपुर बड़ौनी पैसेंजर और 05233 बड़ौनी समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। इनके अलावा 12 ट्रेनों के मार्ग को भी परिवर्तित किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।